संपत्ति की होगी जांच। क्यों भड़के असदुद्दीन ओवैसी, हिंदू मठों के सर्वे की मांग। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों के बाद अब वक्फ की संपत्तियों की जांच कराने जा रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए उस पर हमला बोला है। ओवैसी ने यूपी की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा कि वह केवल वक्फ की संपत्तियों का सर्वेक्षण क्यों कर रहे हैं, उन्हें हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड की संपत्तियों की भी जांच करनी चाहिए। उन्होंने मदरसों के सर्वे कराने को सरकार की साजिश का करार दिया। ओवैसी ने यूपी सरकार पर अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आगे हमारे साथ देखते रहिए इस रिपोर्ट को। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह मदरसों के सर्वे के वक्त से बोल रहे हैं कि यह एक साजिश है, ऐसा करके मुसलमानों को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने वक्फ की संपत्तियों की जांच को लेकर सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की चुप्पी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस समय से दोनों बोर्ड क्या कर रहे हैं। ओवैसी ने यूपी सरकार पर अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार मदरसों का सर्वे कराना चाहती है तो हिंदू मठों का भी सर्वे कीजिए। उन्होंने कहा सबका सर्वे होना चाहिए। यूपी सरकार ने मंगलवार को राज्य में मदरसों के सर्वे के साथ ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया है। 1979 के वक्फ के एक शासन देश को रद्द कर दिया। सरकार अब 1979 के बाद वक्फ में शामिल हुई संपत्तियों की जांच कराएगी। दरअसल 1979 में एक गलत आदेश जारी किया गया था जिसमें ऊंची बंजर उसन जमीन को वक्फ की संपत्ति के तौर पर स्वतः दर्ज करने का आदेश जारी हुआ था। आरोप है कि जिसका जमकर दुरुपयोग हो रहा था। यूपी सरकार इसी गलती अध्यादेश को सुधारने की बात कर रही है। सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी को क्यों मालूम कर रहे हैं आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है, आखिर रुकेगा कहां बात। मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है, तो दिन ब दिन सामने आ रहा है। तो आपको देखना चाहिए ना कि ये वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि गारंटीज एवरीवन राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसका भी वायलेशन यूपी सरकार कर रही है। और अगर कोई इलीगल तरीके से उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया है तो आप कोर्ट में केस लड़ी ना जाके, आप ट्रिब्यूनल में जाइए, आप जो सेक्शन 83 है वक्फ ट्रिब्यूनल में जाइए। तो इस तरह से ये पूरी चीजें जो हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। अगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया न्यूज।